निराशा, दुखी रहना, डिप्रेशन है, कुछ करने की उम्मीद नहीं है, इच्छा नहीं है, ताकत नहीं है, डिप्रेशन के लक्षण है। और इसका मुफ्त में इलाज RTMS मशीन द्वारा किया जा सकता है। यह मशीन बहुत ही महंगी मशीन है, प्राइवेट में आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, मगर हालांकि अभी महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फुले योजना अंतर्गत इसका मुफ्त में इलाज करने की व्यवस्था हमारे हॉस्पिटल में की है। आप ओरिजिनल राशन कार्ड, आधार कार्ड लाते हैं तो यह डिप्रेशन के लिए कारगर इलाज है। यह मशीन से हम इलाज कर सकते हैं। यह मशीन मतलब कोई शॉक ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें कोई पेशेंट बेहोश नहीं होता है, खुद चल के आता है, खुद चल के जाता है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है यह ट्रीटमेंट। ये जैसा टोप जैसा रहता है, दिमाग को लगा के आधा घंटा बैठना पड़ता है, और यह मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है जिससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तैयार होते हैं और ब्रेन ठीक हो जाता है तो माइंड ठीक हो जाएगा और डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। आजकल हमारे देश में करीब करीब 100 में से 10 लोगों को डिप्रेशन की बीमारी है। और डिप्रेशन मतलब क्या है कि डिप्रेशन मतलब उनको खाने पीने की इच्छा नहीं होना, नींद नहीं आना, कुछ काम करने में मन नहीं लगना, कुछ भी वो काम करते नहीं है, उदास रहते हैं, रोते हैं, निराशा आती है, दुखी रहते हैं, आगे ऐसा कुछ उनको फ्यूचर दिखता नहीं है, बार बार मरने के विचार आएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, रिटार्डेशन हो जाएगा। ये खास स्पेशली डिप्रेशन के लक्षण हैं और ये ठीक हो सकता है। ये दवाइयाँ हम देते हैं एंटी डिप्रेशंस, तो उससे भी फायदा होता है एंटी डिप्रेशंस से। बहुत ज़्यादा सीरियस रहा तो उसको शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। एंटी डिप्रेशंस, शॉक ट्रीटमेंट दोनों भी काम नहीं कर रहे या देने की इच्छा नहीं है तो डेफिनेटली RTMS यह मशीन काम किए इससे इलाज कर सकते हैं। ये बीमारी के लिए यदि RTMS उपचार नहीं करना है तभी भी आप ओरिजिनल राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर आते हैं तो आपका रहना, खाना पीना सभी मुफ्त में किया जाएगा ये स्कीम के अंतर्गत। इसका योजना का फ़ायदा उठाना है और आपके इलाके के, आपके जो नोन लोग हैं उनको ये वीडियो शेयर करना है ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके और डिप्रेशन को हम हमारे समाज से पूरा निकाल के बाहर फेंक दे सके। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।